हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल केयर फॉर यू। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगी कि पति का प्यार और भरोसा पाने के लिए पत्नी को क्या उपाय करना चाहिए जो 100% सफल भी होता है। आप सब तो जानते ही होंगे कि हर पत्नी अपनी पति की लंबी आयु के लिए कितने जतन करती है। हर पत्नी अपनी पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। इस साल करवा चौथ का व्रत 17 अक्टूबर को होने वाला है। हिंदू धर्म में करवा चौथ का काफ़ी महत्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो शादीशुदा औरतें कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को निर्जरा करवा चौथ का व्रत रखती है, उनकी पति की आयु लंबी होती है और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। करवा चौथ पति पत्नी दोनों के लिए काफ़ी स्पेशल होता है। पत्नी अपने व्रत के जरिए अपने पति के प्रति प्रेम और श्रद्धा को दर्शाती है। ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, करवा चौथ के दिन पत्नी को पति से प्यार दिखाने का मौका मिल जाता है, क्योंकि सात फेरों के बाद विवाह के बंधन में बंधे पति पत्नी का जिंदगी भर साथ रहने के लिए अटूट प्रेम और विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप शादीशुदा हैं और आपके रिश्ते में अटूट प्रेम नहीं है तो निराश ना हो। आने वाला करवा चौथ आपके रिश्ते के लिए बहुत ही खास हो सकता है। हम आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जो इस करवा चौथ में आपके पति के मन में आपके लिए प्रेम जगा सकती है। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी दबा दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, करवा चौथ के दिन आपको एक लाल रंग का कागज लेना है और उस कागज में पति का नाम किसी सुनहरे रंग की पेन से लिख दे। और आपको साथ में एक लाल रंग का रेशमी कपड़ा लेना है, उसमें दो गोमती चक्र, 50 ग्राम पीली सरसों और साथ में लिखे कागज के नाम को सरसों में छिपाकर पोटली बना दे और उस पोटली को अलमारी में कहीं छिपा दे। पोटली ऐसे रखे कि साल भर किसी की भी नजर उस पर ना पड़े। आपको वो खुद भी बार बार निकाल कर चेक नहीं करनी है। और अगले साल करवा चौथ के दिन किसी जल में प्रवाहित कर दें। करवा चौथ का दूसरा उपाय है, बरगद के पेड़ का पत्ता ले। पत्ते पर लाल रंग के पेन या रोले से अपने जीवन साथी के बारे में वे सब लिखे जो खूबियां आप उनमें लाना चाहते हैं। इस पत्ते को घुमाकर मोड़ लें, 7 बार सिर के ऊपर से घुमाएं। करवा चौथ के दिन जब दोपहर और शाम मिल रही हो तो इस समय पत्ते को साफ पानी में बहा दें। तो हो सकता है आप ये उपाय करने से आप अपने पति का प्यार पा सकें। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, जिससे कि अगर मैं कोई भी वीडियो डालूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं फ्रेंड्स नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।